कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू। विरोध के लिए ऑनलाइन अभियान भी चला रही है कांग्रेस। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से ही बढ़ेगी भारत की साख। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग पर एक वेबिनार को किया संबोधित। बोले, हमारा उद्देश्य है नई तकनीक का भारत में ही हो विकास, प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में हो अधिक विस्तार। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आरजेडी कांग्रेस। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस आरजेडी के बीच होगा मंथन। कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कुमार पहुंचे पटना। महामारी के बीच शिवराज सरकार के लिए अमेरिका से आया 60 करोड़ का स्टेट प्लेन। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता के पैसों की बेकदरी और बर्बादी कर रही है बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर आरोप, बोले राज्य में चल रही है यूरिया की कालाबाजारी। भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा रोज आ रहा है सामने। पंजाब में विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज। सत्र से पहले 29 विधायकों की रिपोर्ट आ चुकी है कोरोना पॉजिटिव। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संक्रमित विधायकों से सत्र में ना आने की करी अपील। यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। देश भर में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोर्ट ने 18 अगस्त को की थी सुनवाई। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अंतिम दलील दाखिल करने के दिए थे निर्देश। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, छात्रों का हाल द्रौपदी जैसा, क्या कृष्ण बनेंगे मुख्यमंत्री। कोरोना काल में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर देश भर में हो रहा है विरोध। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 12:30 बजे ट्विटर पर छात्रों से करेंगे संवाद। इस दौरान वे भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने पर करेंगे चर्चा। शिक्षा मंत्री की तरफ से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ये होगा पहला लाइव। भारत में कोरोना की रफ्तार में लगातार हो रहा इजाफा। देश में कोरोना मामलों की संख्या 34 लाख के करीब। पिछले 24 घंटों में 73,266 नए मामले आए सामने, वहीं 1,557 लोगों ने गवाई जान। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस का एक और बड़ा दावा। व्लादिमीर पुतिन ने किया बड़ा ऐलान, कहा रूस सितंबर तक तैयार करेगा कोरोना की दूसरी वैक्सीन। ओली सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब चीन समेत किसी भी अन्य देश के डिप्लोमेट नेपाल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं कर पाएंगे सीधा संवाद। नेपाल के इस कदम से चीन को लगेगा बड़ा झटका। तुर्की के साथ विवाद के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ग्रीस भेजे अपने 4 F-16 जंगी विमान। यहां दोनों देशों की वायुसेनाएं करेंगी संयुक्त युद्धाभ्यास। ग्रीस और तुर्की के बीच ईंधन को लेकर तनाव की स्थिति के बीच तुर्की ने भेजे विमान। दुनिया में फैली कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा बुरा असर। कोविड-19 के कारण दुनिया में 1.5 अरब स्टूडेंट्स की शिक्षा हुई प्रभावित। भारत में 15 लाख स्कूलों पर लगा है ताला। अमेरिका में आगामी चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा मैंने ऐतिहासिक राहत पैकेज के माध्यम से 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकियों की बचाई नौकरियां। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर लगाई रोक। SBI ने अनिल अंबानी की कंपनी को दिया था 1200 करोड़ का कर्ज। SBI ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। GST को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 2020 और 21 के कलेक्शन में आई 2.35 लाख करोड़ की कमी। सरकार ने कमी का कारण स्वास्थ्य मुसीबत को बताया। HDFC बैंकों ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों पर चलाई कैची, नई ब्याज दरें 25 अगस्त से हो चुकी हैं लागू। लगातार दूसरे दिन चढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.94 रुपए प्रति लीटर पहुंची, तो वहीं डीजल की कीमतों में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। डीजल आज भी 73.56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ हुई बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 179 अंक ऊपर 29,293 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 53 अंकों की बढ़त के साथ 11,613 के स्तर पर खुला।